मॉर्निंग दोस्तों, सभी को बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंटी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीका से एक धूर का मान निकालने सीखेंगे। और बहुत ही सारे दोस्तों ने हमें कमेंट किया कि सर आप धूर धूर हाथ हाथ क्या करते हैं। ये बिल्कुल ही ये हाथ जो है जमीन के नापी के लिए बहुत ही मायने रखता है। और जमीन नापी में अगर हाथ का आप मान नहीं जानते हैं तो जमीन नापी आप शुद्ध नहीं कर सकते हैं। और हाथ के साथ अभी हाथ पर हम हाथ का जो एक धूर का मान होता है वो चार्ट हम लिए आपके साथ हाजिर हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि जो हाथ का जो होता है, हाथ एक मान होता है। यानी अगर आपको किसी ने पूछ दिया कि हमारे यहाँ कितने स्क्वायर फीट में एक धूर जमीन का मान होता है, तो आपको सबसे पहले अगर आप वहाँ की जमीन का हाथ के बारे में जानते हैं तो ही बोल पाएंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बोल वहाँ का नहीं पाएंगे कितने स्क्वायर फुट में एक धूर जमीन का मान होता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक धूर जमीन का मान को ज्ञात करने के लिए हाथ को पूछना होगा कि आपके यहाँ कितनी हाथ की लगी चलती है, ठीक है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट किया है कि सर आप हाथ 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 क्या करते हैं, हाथ ये हाथ बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बोलने से मेरे वीडियो इतने नहीं चलते हैं और इतने सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। झूठ एक भी नहीं चलता है। आपको हम बताना चाहते हैं जब तक आप हाथ का मान नहीं जानेंगे, हाथ एक मान है, जैसे हाथ होता है चार हाथ का, साढ़े चार हाथ का, उसके बाद पाँच हाथ की, छः हाथ की, सात हाथ का, आठ हाथ का, नौ हाथ का। अगर आपको वहाँ पूछ दिया कि हमारे यहाँ जमीन कितने बर कड़ी में एक धूर होता है, तो आपको सबसे पहले वहाँ हाथ पूछना होगा कि आपके यहाँ कितने हाथ की लगी चलती है। आपको एक एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, अगर हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना कॉपी में लिख सकते हैं और अपना याद कर सकते हैं, अपना रिमेंबर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ चार हाथ की लगी है तो 82.59 वर्ग कड़ी में आपका एक धूर का मान होगा, 36 वर्ग फीट में एक धूर का मान होगा। एक धूर का जब आप मान जान गए तो उसका 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक कट्ठा का मान होगा। जितना मल्टीप्लाई करके हुआ फिर आप उससे 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक बीघा का मान होगा, जी हाँ। तो चार हाथ की लगी है तो 36 वर्ग फीट में एक धूर का मान होगा, और 3.31 यानी 3.31 वर्ग मीटर में एक धूर का मान होगा, चार वर्ग गज में एक धूर का मान होगा, और 16 वर्ग हाथ में एक धूर का मान होगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ चार हाथ की लगी है तब, अगर आपके यहाँ साढ़े चार हाथ की लगी है, आपके यहाँ साढ़े चार हाथ की लगी है तो 104.44 वर्ग कड़ी में एक धूर का मान होगा, 46.56 यानी 46.56 वर्ग फीट में आपका एक धूर का मान होगा। और अगर मीटर में आपको पूछा जाए तो वहाँ आपको बोलना होगा कि आपके यहाँ साढ़े चार हाथ की लगी है तो 4.16 वर्ग मीटर में आपका एक धूर का मान होगा। अगर आपको गज से पूछा जाए तो एक गज का जो मान होगा साढ़े चार हाथ की लगी से वो 5.06। अगर वर्ग हाथ से पूछा जाए तो 20.25 यानी 20.25 वर्ग हाथ बराबर एक धूर का मान होगा साढ़े चार हाथ की लगी से, ठीक है। अगर आप एक धूर का मान जान गए तो आपको बिल्कुल आसान तरीका से कट्ठा बीघा निकाल सकते हैं। आपके यहाँ अगर पाँच हाथ की लगी है तो 129.05 वर्ग कड़ी में एक धूर का मान होगा। आपके यहाँ अगर पाँच हाथ की लगी है तो 56.25 वर्ग फीट में एक धूर का मान होगा। आपके यहाँ अगर पाँच हाथ की लगी है तो 5.15 वर्ग मीटर में एक धूर का मान होगा, और 6.25 वर्ग गज में एक धूर का मान होगा, और 25 वर्ग हाथ में एक धूर का मान होगा। आपके यहाँ अगर पाँच हाथ की लगी है तब, ये लगी बहुत ही मायने रखता है जमीन के लिए। अगर आप कहीं जमीन नापी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पूछना होगा कि आपके यहाँ कितने हाथ की लगी चलती है। अगर चार हाथ की लगी चलती है तो छोटा स्क्वायर फीट, छोटा स्क्वायर कड़ी, छोटा स्क्वायर मीटर में ही एक धूर हो जाएगा। अगर लगी आपके यहाँ छः हाथ की चलती है तो 185.77 यानी 185.77 वर्ग कड़ी में एक धूर का मान होगा। आपके यहाँ अगर छः हाथ की लगी चलती है तो 81 वर्ग फीट में एक धूर का मान होगा। आपके यहाँ अगर छः हाथ की लगी चलती है तो 7.45 वर्ग मीटर में एक धूर का मान होगा, और 9 वर्ग गज में एक धूर का मान होगा। आपके यहाँ अगर छः हाथ की लगी चलती है तो 36 वर्ग हाथ में एक धूर का मान होगा। ये बिल्कुल आसान तरीका से आप माप सकते हैं। ये मेरे पास चार्ट है, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इस तरह स्क्रीन को पॉज करके आप अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। और
जितना हो सके आप अच्छे कमेंट पर आंसर दें और अपने कमेंट राय पर बताएं कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा और किस तरह का वीडियो हमें बनाना चाहिए। अगर आप YouTube से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर लिखें कि हम YouTube चैनल कैसे बनाएं, YouTube चैनल पर कैसे वीडियो डालें, तो सारे विषय पर हम आपको वीडियो अवेलेबल इस चैनल के माध्यम से करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।